तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे सामने, चौक से कितने मीटर पर गाड़ी पार की जा सकती है? चौक से 2 किलोमीटर, 10 मीटर और 40 मीटर। चौक से 10 मीटर के फासले पर गाड़ी पार की जा सकती है। किसी भी ऑटो गाड़ी की पहचान कैसे होती है? रजिस्ट्रेशन नंबर से, चेसिस नंबर से और गाड़ी की बनावट और रंगत से। तो जो चेसिस नंबर होता है उससे पता चलता है। लोडर गाड़ी को कैसे रिवर्स किया जाता है? नंबर 1 हॉर्न देकर, नंबर 2 पे पार्किंग लाइट ऑन करके, नंबर 3 हेल्पर की मदद से, जो साथ क्लीनर होता है हेल्पर उससे। मैकेनिकल लिहाज से गाड़ी में ब्रेक की कितनी किस्में हैं? नंबर 1, 2, 3, 4। तो मैकेनिकल लिहाज से गाड़ी में ब्रेक की 3 किस्में हैं। गाड़ी मोटरवे पर कम से कम कितनी रफ्तार से चलानी चाहिए? कम से कम रफ्तार 65, 80 और 100 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर की रफ्तार से चलानी चाहिए। नेक्स्ट है, जेल ट्रैफिक इशारे का मतलब है आरजी पाबंदियों का खात्मा। ये जो है गोल सा और बीच में तिरछी लाइन है, तो इसका मतलब है जो आरजी पाबंदियां थी उनका खात्मा हो गया है। नेक्स्ट है, जेल में ट्रैफिक इशारे का मतलब, यहाँ पे मुसलस और बीच में दो सेमी कोलन टाइप, तंग पुल है, मतलब पुल तंग है। जेल में ट्रैफिक इशारे का मतलब ये जो है यूथ हॉस्टल, यूथ हॉस्टल मतलब जवानों का हॉस्टल है यहाँ पे। नेक्स्ट है, जेल जी जो ट्रैफिक इशारा, इसका मतलब है बुक्स चौक, बुक्स चौक है। और जेल में जो ट्रैफिक इशारा है इसका मतलब क्या है? पीएसवी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती, पीएसवी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती। इंशाल्लाह ये टेस्ट पसंद आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला टेस्ट करेंगे।